ये महामहिम है। और मोदी जी ने जब 2014 में जब 2 अक्टूबर को कहा था ना, तो मेरे को पता है लोग मजाक भी उड़ाएंगे कि मैं बहुत बड़ा डिसीजन ले रहा हूँ, लेकिन मैं देश के लिए ले रहा हूँ। और आज इतना एटिकेट्स आ गए हैं, आज बच्चों के सामने बड़े फेंक दे जरा, बच्चा उसी टाइम टोक देता है। आज हुआ, आज काफ़ी लोगों में जागृति आ चुकी है और लोग आज सफाई के प्रति एकदम जागरूक हो चुके हैं। आज देखिए महिलाएं सफाई कर रही हैं, ये वही महिम है मोदी जी की। और मोदी जी कहने वाला शख्स कौन है? अगर वो आप अमल करता है तभी तो दूसरों को कहेगा। आज मोदी जी जिस हिसाब से देश के लिए लगे हुए हैं, किस प्रधानमंत्री ने सफाई बांध में कहा, उन्होंने एक रिस्क लिया तो मैं करूँगा और देश को स्वच्छ करूँगा, और ये हो रहा है ये सारा। आज देखिए हम ये पूरी तरीके से आपने साफ कर दिया कि 2019 तक मतलब जागरूकता इसके अंदर होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। आज आप लोग वीर सागर पर में आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इसमें आपने क्या क्या कार्यक्रम और लोगों ने आयोजित किए हैं आज? अरे आप यहाँ देखिए महिलाएं सफाई कर रही हैं, कीर्तन हो रहे हैं, भजन हो रहे हैं, लोगों को बोल के जागरूक कर रहे हैं, लोग यहाँ पे चल रहे हैं। अब ये देखिए लोग कैंप लग रहे हैं, सफाई और स्वच्छ, स्वच्छता और स्वास्थ्य, ये दोनों मिलके देखिए कितना काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको लगेगा जो मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर पे भी ये बात कही थी। सर कहीं ना कहीं विपक्ष हमेशा से स्वच्छ भारत अभियान पे सवाल उठाता रहा है, उसका कहना है कि सरकार स्वच्छता पर बजट तो बनाती है लेकिन सही तरीके से उसे इम्प्लीमेंट नहीं करती, यानी अच्छी तरीके से अभी भी अब देखो कहीं डस्टबिन नहीं मिलेगा या गंदगी का आलम हमेशा से ऐसे लगा रहेगा, उसको लेकर ना नगर निगम ना ही केंद्र सरकार कोई पुख्ता इंतजाम कर पाती है। देखिए मेरी एक बात सुनिए, कोई तो पहल करेगा ना, मोदी जी ने पहल करी है। आज घर घर में निगम ने वो डस्टबिन दिए, ये देखिए डस्टबिन पड़ा हुआ, आज हर घर में निगम डस्टबिन बांट रही है, आपको जानकारी मैं बता दूं। और टोटली डोर टू डोर नीला और हरा, सूखा किस में फेंक रहा है, इतनी जागृति निगम कर रही है। लेकिन जब तक जनप्रतिनिधि और समाज के लोग मिल के नहीं चलेंगे, जब तक इसको ये दोनों का मुहिम इकट्ठा मुहिम है, जब तक दोनों मिल के नहीं चलेंगे जब तक इसका सफाई होना बहुत मुश्किल है। इसलिए आज लोगों में जागृति लाने के लिए जगह जगह सफाई अभियान रखे गए, लोग जुड़ रहे हैं, एक मुहिम चल रहा है, वहाँ एक महामुहिम चल रहा है। आज पूरे हिंदुस्तान में सफाई अभियान है और लोग लेडीज महिलाएं लगी हुई, तो इससे एक ना एक दिन बदलाव जरूर आएगा इसके ऊपर। अगर ऐसे सोच ले आदमी होगा नहीं तो फिर तो कोई शुरू ही नहीं करेगा। आज मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया और यकीनन मैं आपको बता रहा हूँ आने वाला समय स्वच्छ भारत होने वाला है और इसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। हम जब बाहर जाते हैं ना, विदेशों में जाते हैं, तो एक वो होती है मन में, आज हमारे बीच में एक मन में एक वो आ चुका है भी अपना देश भी स्वच्छ होना चाहिए, अपना देश है तो हमारी अपनी जिम्मेवारी है। इसलिए स्वच्छता अभियान आपको ये मुहिम लाएगा, एक रंग लाएगा और पूरा हिंदुस्तान स्वच्छ भी होगा, स्वस्थ भी होगा।